देख सकते किस तरह अटैक करना चाह रहा है ये। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक अजगर सांप रेस्क्यू हुआ था, उसी को इधर फॉरेस्ट एरिया में आजाद करने के लिए आए हैं। और दोस्तों अजगर सांप में जो होता है जहर नहीं होता, लेकिन ये बाइट करने से लगभग 150-200 ग्राम शरीर से मांस को खींच लेता है। इसका अंदर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा दांत है, सब आड़ा तिरछा आरी ब्लेड होता है, उसी तरह का इसका दांत होता है। एक बार बाइट करे तो छोड़ता नहीं है जल्दी इसका। दोस्तों अजगर सांप का देख सकते हैं जो इसका बच्चा होता है, बहुत आदमी उसको मतलब जो रसल वाइपर स्नेक होता है जहरीला सांप उसका जैसा देखने में लगता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इसका माउथ को आप देख सकते हैं, ये थोड़ा रेड होता है यहाँ पर, और इसका यहाँ से दोस्तों देखिए लाइन बाय लाइन दागी होता है, और जो रसल वाइपर होता है उसका शरीर में गोल गोल आकार का होता है, तो इसी से आप पहचान सकते हैं अजगर सांप। और ये ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, 20 से 25 फीट तक हो जाता है हमारा इंडिया में। देखिए दोस्तों ये किस तरह अटैक करेगा। देखिए ये फिर से अपना पोजीशन ले रहा है अटैक करने के लिए। ये देखिए अजगर सांप होता है जो ये बहुत ही ताकतवर सांप में माना जाता है, क्योंकि ये जो है इसका अंदर जहर नहीं है, लेकिन ये किसी को भी कोई भी जानवर को शिकार को पकड़ता है तो पूरा उसको लपेट के जान मार देता है, उसके बाद धीरे धीरे निगल जाता है। कभी कभी आप देखिएगा हिरन को भी, गाय का बछड़ा को भी निगल जाता है, जो कि बड़ा बड़ा जब 16 फीट 17 फीट का अजगर होता है। वो देख सकते काफ़ी ज़्यादा, जब ऐसे ही लोगों को पता नहीं चलता लंबाई, जब रेंगता है तब इसका लंबाई का पता लगाया जा सकता है। ये देखिए 6 फीट का लगभग ये सांप हो जाएगा। ये खाना में जंगली लोमड़ी वगैरह जो रैबिट्स होता है खरगोश वो सबको पकड़ के और निगल जाता है। देख सकते किस तरह अटैक करना चाह रहा है ये। चलिए दोस्तों इसको बिना परेशान किए हुए इसको जाने दिया जाए जंगल तरफ। आइए इसको इधर फॉरेस्ट में आजाद करो। और ये देख सकते हैं जाना स्टार्ट हो गया दोस्तों। अभी जो है बरसात का मौसम चल रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा सांप का बहुत ज़्यादा निकल रहा है, इसीलिए आप लोगों का घर में भी सांप घुस सकता है तो उसे मारे नहीं, जंगल तरफ ले जाके छोड़ दें। ये जो है जब तक नहीं इसको आप दबाव पड़ता है तब तक ये भी आपको नहीं बाइट करेगा। बिना गलती किए हुए कोई भी जानवर किसी को कुछ नहीं करता है, इसीलिए घर के अगल बगल फिनाइल का छिड़काव कीजिए, उससे सांप नहीं आएगा। और दोस्तों ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। देख सकते सामने से लिया है थोड़ा, ये दोस्तों किस तरह घुस रहा है। देखिए जब भी ये घास के अंदर रहता है तो पता नहीं चलता है कि सांप है। ये जो है सांपों का कान नहीं होता है, ओनली फॉर वाइब्रेशन। जो हम लोग इसका अगल बगल अगर कोई आदमी पार होता है तो इसको पता चल जाता है कंपन से, और उसके बाद ये शांत हो जाता है, पता नहीं चलने देता है। तो बहुत जैसे बहुत आदमी का मानना है कि बीन का आवाज़ बीन से डांस करता है नाग, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। सांप का कान ही नहीं होता है, ये ओनली फॉर वाइब्रेशन को महसूस करता है, और जीभ से अपना सेंसर लगा हुआ है जीभ में, जीभ से कौन बिल में खाना चूहा छुपा हुआ है मेढक छुपा हुआ उसका गंध से पता कर लेता है।
फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आपका अपना सर्वरक्षक संदीप जोशी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।